पश्चिम बंगाल की सीएम और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी के 5 दिवसीय दौरे का आज आखिरी दिन था। दिल्ली दौरे के दौरान उन्होंने विपक्ष के कई दिग्गज नेताओं के साथ मुलाकात की। ममता ने साफ कर दिया कि मोदी के सामने 2024 में मजबूत विपक्षी गठबंधन होगा। दिल्ली दौरे के अंतिम दिन ममता ने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी चीफ शरद पवार से भी मुलाकात की। तो अपने इस दौरे को लेकर क्या कहा ममता ने, देखिए ये रिपोर्ट। 2024 के चुनाव को लेकर विपक्षी नेताओं के बीच में विपक्ष का चेहरा बनने की होड़ मची हुई है। एनसीपी चीफ शरद पवार और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के समर्थक दावा कर रहे हैं कि 2024 का चुनाव विपक्ष को उनके नेता के नेतृत्व में लड़ना चाहिए, लेकिन ममता और शरद पवार खुद ये साफ कर चुके हैं कि मुद्दा नेतृत्व का नहीं है, जरूरत विपक्ष की मजबूत एकजुटता की है। विपक्ष एकजुट रहा तो नेतृत्व का मुद्दा समय पर सुलझ जाएगा। विपक्ष की एकजुटता के लिए ममता बनर्जी आज अपने दौरे के आखिरी दिन शरद पवार से मिलने पहुंची। पवार से मुलाकात के बाद ममता ने कहा कि हमारा दौरा सफल रहा, हम राजनीतिक मकसद से मिले थे, लोकतंत्र चलता रहना चाहिए। वहीं टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के आवास से निकलने के बाद ममता ने लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ का नारा भी दिया और उन्होंने हर 2 महीने में दिल्ली आने का ऐलान भी किया। इसके साथ ही उन्होंने किसानों के मुद्दों का भी समर्थन किया। पहले दावा किया जा रहा था कि ममता गाजीपुर बॉर्डर जाकर किसानों से मुलाकात कर सकती हैं। ममता आंदोलन स्थल तक तो नहीं गईं, लेकिन उन्होंने किसानों के आंदोलन को अपने समर्थन का ऐलान जरूर किया। ममता ने अपने दौरे के दौरान सोनिया गांधी सहित तमाम विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात की, लेकिन सवाल ये है कि क्या ममता की ये कोशिश मोदी सरकार के खिलाफ खुद को विपक्ष का नेता बनाने के लिए तो नहीं हो रही? क्या शरद पवार और कांग्रेस ममता को अपना लीडर मानने को तैयार होंगे? टीवी लाइव की रिपोर्ट।